यूपी में महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जिसके बाद सवाल ये कि क्या बदमाशों में कानून का कोई डर नहीं, क्या पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं है। अब यूपी के कौशाम्बी से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आरोप है कि रेप पीड़िता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। लड़की की हत्या के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना महेवा घाट इलाके की है, जहां एक गांव के रहने वाले परिवार का आरोप है कि बेटी के साथ गांव के रहने वाले पवन निषाद ने कई महीनों पहले रेप किया था और पीड़िता की तहरीर पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। अब आरोप ये कि 15 दिन पहले ही आरोपी पवन निषाद जेल से छूटकर वापस लौटा था, जिसके बाद आरोपी पवन और उसका बड़ा भाई अशोक निषाद लगातार लड़की पर और उसके परिवार वालों पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब लड़की ने समझौता करने से इनकार कर दिया तो हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। सोमवार को लड़की कुछ सामान लेने बाहर गई और आरोप ये कि उसी वक्त रेप के आरोपी के बड़े भाई ने यानी अशोक निषाद ने दिन दहाड़े लड़की पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है, थाना महेवा घाट के डेरहा गांव में आज एक ही बिरादरी के दो पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और इसी मारपीट में 20 साल की लड़की की मौत हो गई। आरोपी की गिरफ्तारी की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक गांव की सड़क पर ही दिन दहाड़े हमला किया गया था और उस वक्त युवती को बचाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। हत्या के बाद आरोपी बेखौफ होकर गांव से फरार हो गया। लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े सभी के सामने लोगों की मौजूदगी में अचानक आरोपी ने लड़की पर हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।